हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। मैं ऋषि मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज द हिंदू 8 अगस्त है, हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। एंड आवर फर्स्ट न्यूज़, पीएम लॉर्ड्स स्टेट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन फाइटिंग कोविड 19। वी एक्सप्लेन द न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की राज्यों की फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहभागिता में संघवाद के इन फाइटिंग लड़ाई में कोविड 19 के लड़ाई में जो स्टेट्स ने कोऑपरेट किया उसकी प्रशंसा की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नीति गवर्निंग काउंसिल डिस्कस किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल के विविधीकरण में एनईपी, अर्बन गवर्नमेंट्स एनईपी एंड नीति गवर्नमेंट काउंसिल ने डिस्कस किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, फसल विविधीकरण का। फिगर के नीचे देखिए टॉप डेक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेंटर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एट द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रविवार को संडे सेड, उन्होंने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट्स, सामूहिक रूप से प्रयास ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों का इन द स्पिरिट्स भाव लाता है ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सामूहिक संघवाद का वाज था द फोर्स, यही बल दैट हेल्प्ड, जो सहायता करेगा इंडिया को इमर्ज उभरने में फ्रॉम द कोविड 19 पेंडेमिक में उभरने का यही प्रयास जो है सहायता करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा। एड्रेसिंग द 7th मीटिंग ऑफ नीति आयोग, 7th मीटिंग, 7वीं मीटिंग के नीति आयोग को सूचित करते हुए गवर्निंग काउंसिल द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्यों ने प्लेट खेला एक क्रूशियल रोल, एक निर्णायक रोल, बाई फोकस करते हुए ऑन द ग्रॉस रूट डिलीवरी, एक मूल जड़ के रूप में ऑफ पब्लिक सर्विस, लोक कल्याण की सेवा, थ्रू कॉपरेशन अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, कॉपरेशन और पॉलिटिकल लाइन से होकर मूल जड़ों पर फोकस किया गया। इन सभी प्रोसेस में या के संदर्भ में इंडिया इमर्ज, भारत उभर कर आया एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर फॉर द डेवलपिंग नेशंस, एक विकास राष्ट्र के तौर पर टू लुक अप टू एट ए ग्लोबल लीडर, जो दिखाई दिया या अवलोकन किया गया एक वैश्विक लीडर के रूप में ही एडेड, उन्होंने जोर दिया। तेलंगाना एंड बिहार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड नीतीश कुमार रिस्पेक्टिवली क्रमशः डिड नॉट पार्टिसिपेट नहीं किए थे, शामिल नहीं हुए थे इन द मीटिंग में विच वॉज अटेंडेड, जिन्होंने अटेंड किया था बाई 23 चीफ मिनिस्टर, जिसमें से 23 चीफ मिनिस्टर्स, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स। थ्रो एक चार पेज का लेटर जो पत्र प्राइम मिनिस्टर द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैड अर्लियर पहले ही कन्वेड, अवगत करा चुके थे दैट कि ही वुड स्टे अवे फ्रॉम द मीटिंग, वह मीटिंग से दूर रहेंगे एज ए मार्क ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट ट्रीटिंग देम एज इक्वल पार्टनर्स। उनका कहना यह था कि ही वुड स्टे अवे फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से दूर रहेंगे एज ए मार्क ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, जो कि चिन्हित करता है एक मजबूत विरोध का अगेंस्ट खिलाफ द प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है टू द यूनियन गवर्नमेंट का टू डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव का अगेंस्ट खिलाफ द स्टेट, राज्यों के खिलाफ जो भेदभाव चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट्स में, एंड और नॉट ट्रेटिंग और व्यवहार न करते हुए दिम उनके खिलाफ एज इक्वल पार्टनर्स, एक समान रूप से सहभागिता में। द नीति आयोग टर्म्ड द डिसीजन अनफॉर्चुनेट, नीति आयोग ने लागू किया या करार दिया निर्णय को अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भाई, जबकि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सैटरडे को कहा कि द बॉयकॉट सोड, यह जो बहिष्कार सोड प्रकट किया गया दैट की तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर खो चुके हैं अपनी रुचि को इन द डेवलपमेंट्स वर्क्स,
विकास के कार्यों में फॉर द कंट्री ग्रोथ, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए वो डेवलपिंग वर्ल्ड्स में अपना इंटरेस्ट जो है लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा। की इश्यूज, मुख्य मुद्दे, दिस ईयर, इस साल द गवर्निंग काउंसिल डिस्कस्ड, गवर्निंग काउंसिल ने डिस्कस किया की इश्यूज, मुख्य मुद्दे पर सच है, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधताकरण एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस, और प्राप्त करते हुए सेल्फ सफिशिएंट, पर्याप्त रूप से स्वयं को इन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एंड अदर एग्री कमोडिटीज, और अदर जो है दूसरे कृषि के उपभोग की वस्तुएं, इम्प्लीमेंटेशन लागू की गई ऑफ द एनएपी के जरिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, इन स्कूल एजुकेशन में एंड हायर एजुकेशन में एंड अर्बन गवर्नेंस में। इन दिस इनॉग्रल एड्रेस, अपने उद्घाटन में उन्होंने सूचित किया कि द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, प्राइम मिनिस्टर तनाव में थे, द नीड, आवश्यकता के टू फोकस ऑन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, टू फोकस करने के लिए, ध्यान देने के लिए, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज कृषि के, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के, एंड फूड प्रोसेसिंग के, टू बिकम हो गया सेल्फ सफिशियंट, स्वयं रूप से पर्याप्त है, एंड ए ग्लोबल लीडर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में वैश्विक तौर पर जो है सेल्फ सफिशियंट हो गया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से बढ़ रहा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कुड बी टर्न्ड इनटू ए स्ट्रेंथ, एक शक्ति में बदल जाएगा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा, टू इंश्योर, सुनिश्चित करते हुए जी आसानी से ऑफ लिविंग, आसानी से जीना, ट्रांसपेरेंट सर्विस, पारदर्शी सेवा डिलीवरी, एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सुधार होगा जीवन के गुण में या क्वालिटी ऑफ लाइफ में। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए द कंट्री G20 प्रेजिडेंसी इन 2023 एज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शो टू द वर्ल्ड दैट इंडिया वाज नॉट जस्ट कंफाइंड टू दिल्ली। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए द कंट्री G20 प्रेजिडेंसी को इन 2023 में अध्यक्षता करते हुए एज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शो, दिखाने के लिए संसार को, वर्ल्ड को, दैट कि इंडिया वाज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिल्ली, इंडिया दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बट इंक्लूडेड किंतु इसमें शामिल है एवरी स्टेट्स, बट इंक्लूडेड एवरी स्टेट्स, किंतु इसमें शामिल है प्रत्येक राज्य एंड यूनियन टेरिटरी और सभी संघ राज्य क्षेत्र। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर क्लाइमेट, प्राइम मिनिस्टर ने डिमांड किया या पूछा अ मास मूवमेंट, एक आंदोलन फॉर आइडेंटिफिकेशन, पूछताछ के लिए या जानने के लिए ऑफ द बेस्ट टैलेंट, एक अच्छा टैलेंट्स अवेलेबल उपलब्ध है इन द कंट्री में। देयर शुड बी ए डेडिकेटेड टीम ऑफ G20 इन द स्टेट्स, यह जो है होना चाहिए डेडिकेटेड, एक समर्पित टीम G20 स्टेट्स, राज्यों के लिए, टू डिराइव करने के लिए द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम द इनिशिएटिव, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं। मिस्टर मोदी ने ऐसा कहा, फोकस करिए थ्री टीज में। इन हिज क्लोजिंग रिमार्क्स, अपनी वाणी को विराम देते हुए द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, ईच स्टेट शुड फोकस, प्रत्येक राज्य को फोकस करना चाहिए ऑन प्रमोटिंग ट्रेड, प्रमोटिंग मतलब होता है कि एक प्रकार से व्यापार को बढ़ावा देना, टूरिज्म को एंड टेक्नोलॉजी को भी, या प्रतिस्पर्धा करते हुए एवरी इंडियन मिशन अराउंड द वर्ल्ड, प्रत्येक इंडियन का मिशन होना चाहिए देश के चारों तरफ। एंड नेक्स्ट न्यूज, सैटेलाइट लॉन्च किया गया बाई एस एल एल वी के द्वारा इन रॉन्ग ऑर्बिट, गलत ऑर्बिट में, कक्ष में, नॉट यूजेबल, जो कि यूज नहीं है। लॉन्च व्हीकल को फुट रखा गया दिम उनको इन इलेप्टिकल बट नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, वो इलेप्टिकल में चला गया ना कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में, इसरो ने ऐसा कहा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन संडे को कहा कि द सैटेलाइट ऑन बोर्ड इन मैडन स्मॉल स्टेटलाइट लॉन्च व्हीकल आर नो लॉन्गर यूजेबल, अब लंबे समय तक यूजेबल नहीं है, आफ्टर के बाद में द SLLV प्लेस्ड देम, उन्हें रखा इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ है सर्कुलर वन,
उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में रखना चाहिए था के बजाय उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट में रख दिया, इसलिए वह अपने स्थान से बदल गया, दूसरे स्थान पर चला गया। द स्पेस एजेंसी सेड स्पेस एजेंसी ने कहा कि अ कमेटी वुड एनालाइज कमेटी एनालाइज करेगी एंड मेक रिकमेंडेशन और संस्तुति करेगी ऑन संडे एपिसोड, संडे के एपिसोड में विद द इम्प्लीमेंटेशन लागू होने के साथ आप दोज रिकमेंडेशन, इन सभी रिकमेंडेशन को इसरो विल कम बैक, इसरो वापस लाएगा सोन जल्द ही SSLV D2। SSLV D1 प्लेस द सैटेलाइट्स इनटू ए 356x76 किलोमीटर इलिप्टिकल ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ द 356 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट की अपेक्षा जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में 356x76 किलोमीटर में प्लेस्ड हो गया। देयर आर नो लॉन्गर यूजेबल, यह अब यूज में नहीं है। इश्यू इज रीजनेबली आइडेंटिफाइड, मुद्दे को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। फेल्योर ऑफ इट लॉजिक, असफलता एक तर्क का टू आइडेंटिफाई पहचानना ए सेंसर फेल्योर एंड गो फॉर ए सेल्वेज एक्शन कास्ट द डेविएशन, इसरो सेड इन एन अपडेट ऑट इन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। इसरो ने ऐसा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपडेट किया। इट एडेड उन्होंने जोर दिया का डिटेल्ड स्टेटमेंट बाय इसरो चेयरमैन यश सोमनाथ विल बी अपलोडेड सून, जल्द ही इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ विल बी अपलोड करेंगे न्यू स्टेटमेंट इन इट्स मैडन मिशन। पहली बार इस मिशन में द लॉन्च व्हीकल कैरीड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 एंड द को पैसेंजर स्टूडेंट सैटेलाइट आजाद सैट। तो गाइज आज हम लोग का सेशन ये समाप्त होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय चैनल एंड प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार, सत श्री अकाल।